हाय गाइस, सो आज हम बात करने वाले कि आप किस तरह से अपना नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सकते हो। सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है और जो ये आपकी मेल सेक्स प्रॉपर्टीज लाने में हेल्प करता है, चाहे वो आपकी हेयर ग्रोथ हो गई, आपका मसल मास ज्यादा डेवलप होने में हो या आपकी आवाज में भारीपन हो। बी टेकिंग आवर पॉड टुडे सर। वेल, आर यू मेकिंग योर वॉइस डीपर? तो ये सारी जो मेल सेक्स प्रॉपर्टीज है ये आपकी बेसिकली टेस्टोस्टेरोन से ही आती है। अगर आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो ये कंडीशन है और सबसे पहले हमें इसे ठीक करना है, ना कि हमें बाहर से एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर लेना है। क्योंकि अगर आप बाहर से ले रहे हो तो रिमेंबर कि आपकी बॉडी अब खुद प्रोड्यूस उतना नहीं करेगी, बिकॉज अब उसे ऑलरेडी मिल रहा है। सो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज नहीं कर सकती, बट आपको ज़रूरत पैदा करनी होगी जो कि वेट ट्रेनिंग से हो जाएगी। देन उसे प्रॉपर रॉ मटेरियल देना होगा जिसमें कि आपको अपनी डाइट में फैट ऐड करना है और उसके बाद प्रॉपर रिकवरी। सो गाइस, 30 साल के बाद आपके हर 10 साल में आपके 10% एनाबोलिक हार्मोन रिड्यूस हो जाते हैं। सो उसके लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वेट ट्रेनिंग करो ताकि आप उस लेवल को मेंटेन कर सको। सो इसलिए सबसे पहले हमारा पॉइंट है वेट ट्रेनिंग। सो वेट ट्रेनिंग में गाइस दो मेथड है। सो पहला मेथड हमारा है कि आपको कंपाउंड मूवमेंट करनी है। कंपाउंड मूवमेंट होती है मल्टी जॉइंट मूवमेंट, जिसमें आपके दो या दो से ज़्यादा जॉइंट मूव कर रहे हैं और इसमें आपके जो लार्ज मसल ग्रुप है, जैसे कि आपके लेग्स हो गए, आपके चेस्ट हो गए, आपके बैक हो गए, ये सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो आपको इसमें 85% टू 95% ऑफ 1 RM करना होता है। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो सपोज अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपका अगर 1 RM 100 kg है तो आपको 85 kg से लेकर 95 kg के बीच में वेट चूज करना होगा। और अगर इसे हम और भी ज़्यादा सिंपल टर्म्स में कहें तो आपको 2 से 6 rep ही करने होंगे। और हमारा सेकेंड पॉइंट है कि मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम इंटेंसिटी। सो इसमें आप अपनी ज़्यादा वॉल्यूम रखोगे वर्कआउट की। सो वॉल्यूम मीन की सेट इंटू रेप एंड द वेट जो भी आप यूज़ कर रहे हो। सो ये जो आप वर्कआउट कर रहे हो जिसमें कि आप मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम रख रहे हो, इसमें आपको याद रखना है कि आपको सेट्स के बीच में 1 मिनट से कम का रेस्ट रखना है और जो आपका ओवरऑल वर्कआउट है वो 45 मिनट से पहले आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। तो गाइज हमारा सेकेंड पॉइंट है फैट्स। सो फैट्स गाइज बहुत ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि फैट से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल ही आपका टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। सो फैट्स आपको 25 से 30% रखना अपनी टोटल कैलोरीज का, जिसमें से कि आपको सैचुरेटेड फैट 10% से कम रखना है। नाउ सैचुरेटेड फैट्स में आपका देसी घी हो गया, आपके बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपका मीट हो गया। सो जो सैचुरेटेड फैट है उस आपका सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। सो गाइज ये काफ़ी पुरानी मिथ है कि कोलेस्ट्रॉल अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपके हार्ट में फंक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, चाहे हार्ट आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है या ऐसी काफ़ी सारी मिथ्स है। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम तब आती है जब आपका या तो HDL और जो आपका LDL है उसकी आपकी रेशियो काफ़ी ख़राब हो चुकी हो या आप ट्रांसफैट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जैसे कि जो तला हुआ खाना हो गया। सो मेक श्योर कि आप हेल्दी फैट्स खा रहे हो, जो कि आपके नट्स से मिल जाएगा, सीड्स से मिल जाएगा, आपके मीट से मिल जाएगा और आपके एग योक से मिल जाएगा। सो गाइज मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो जिम के बंदे हैं वो एग योक फेंक के बाहर से टेस्टा बूस्टर ले रहे हैं। सो गाइज ऐसे में आप बिल्कुल अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज अगर आप अपना एग योक ही नहीं खा रहे हो तो आपको जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस हो सकता था कोलेस्ट्रॉल से, आप उसकी बजाय आप बाहर से ले रहे हो, जिसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सो गाइज आर थर्ड पॉइंट इज रिकवरी। सो गाइज स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे आपके ऑफिस में बॉस ने आपको ज़्यादा काम दे रखा हो या फिर बच्चों के लिए एग्जाम का प्रेशर हो या जिम में ओवर ट्रेनिंग हो रखी हो, तो स्ट्रेस काफ़ी टाइप का हो सकता है। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रिकवरी अच्छी हो, क्योंकि तभी आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगा उतना एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कोर्टिसोल। सो जितना ज़्यादा आपका कोर्टिसोल हाई होगा उतना ही टेस्टोस्टेरोन लो होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। उसके लिए मेक श्योर कि आप अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से काम कर रहे हो, रात को लाइक आप उल्लू बन के नहीं रह रहे हो एंड आप टाइम से सो रहे हो और आप टाइम से सुबह उठ रहे हो, आपकी स्लीप परफेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए 6 से 8 घंटे के बीच में। एंड इसके लिए आई वुड प्रेफर कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के लिए मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो एक हेड स्पेस ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो यू विल लव द रिजल्ट्स, बिकॉज उसमें आपको स्टार्टिंग से बताया गया है कि आप किस तरह से, अगर आप बिगिनर हो तो आप कैसे आगे प्रोसीड करोगे। सो गाइस इसका हम एक बार ओवरऑल ले लेते हैं। सो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग में दो मेथड है, या तो आप कंपाउंड मूवमेंट कर सकते हो हैवी लिफ्ट, या दूसरा मेथड हमारा है कि आपको मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम इंटेंसिटी रखना है। दूसरा है कि आपको अपनी डाइट में फैट ज़रूर ऐड करने हैं।
सो प्लीज़ आप अपनी हेल्दी फैट्स ऐड कर सकते हो, आपका एग योक हो गया, आपके मीट हो गया, आपका देसी घी हो गया, आप सब कुछ खा सकते हो बट वो प्रॉपर रेशो में हो। बस आपको ये याद रखना है कि वो आपको कैलोरीज के अंदर आ रहा हो। सो गाइस आवर थर्ड पॉइंट इज़ रिकवरी। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, आपका प्रॉपर सर्केडियन रिदम से आप काम कर रहे हो एंड आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड अगर आप फ्यूचर में फिटनेस रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया हुआ डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ गाइज फॉलो मी देयर ऑल्सो एंड थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।